नमस्कार दोस्तों, आज का टॉपिक अगरबत्ती बिजनेस के रिगार्डिंग ही होगा। ये एक बड़ा टॉपिक है दोस्त लोग, एक्चुअल में लोग मेरे को पूछ रहे हैं कि ये जो इंडस्ट्री है वहाँ पे जो मशीन बेचने वाले हैं, जो ट्रेडर हो गए, डीलर हो गए, जो भी कंपनीज हो गए, वो लोग जो बेच रहे हैं मशीन्स, किस खातिर वो बेच रहे हैं प्रॉफिट। यस, आप लोग भी धंधा करते हो उसी प्रॉफिट के खातिर, वो लोग भी धंधा करते हैं इसी प्रॉफिट के खातिर। सो मैं ये बताना चाहूंगा कि अगरबत्ती बिजनेस में कितना प्रॉफिट आता है। यस, लोग आपको बोलेंगे 20% 30%, ऐसे नहीं बोलेंगे। लोग बोलेंगे 50% से ज्यादा मुनाफा आता है। आप आओ इस बिजनेस पे, आके जुड़ जाओ, आपको मुनाफा ही मुनाफा आएगा। आप अपना जमा पूंजी सारा कुछ लेके अगरबत्ती बिजनेस में लगा देते हो, बट वो मशीन खरीदने में लगा देते हो, मशीन खरीद के अगरबत्ती बिजनेस स्टार्ट करने के लिए लगा देते हो। लोग क्या करते हैं ना, आपके जो ट्रेडर हो गए वो लोग क्या करते हैं, आपको बोलते हैं कि बाईबैक पॉलिसी, एक बाईबैक करके एक स्कीम आपको देते हैं। वो स्कीम में क्या होता है ना, आपको बाईबैक करना पड़ता है। बाईबैक इन द सेंस, आपको प्रोडक्ट जो बनाते हो उसको उन्हीं लोगों को फिर देना पड़ता है। तो इसके इसके बदले आपको कोई मुनाफा वो देते हैं, लाइक अपना कॉस्ट जो आता है, कॉस्ट के हिसाब से अगर कैलकुलेट करो तो उसमें 20 रुपीज 30 रुपीज ऐसे कुछ आपको प्रॉफिट देते हैं। जो कि ये स्कीम आपको सभी जगह पे, सभी ऑल ओवर इंडिया पे, सभी एरिया पे आपको मिला होगा। इस स्कीम के बदले आप मशीन खरीदते हो, राइट। बट वो मशीन खरीदना और ये बाईबैक स्कीम में आना एक झांसा है, ठीक है। जब हम मछली खरीदने जाते हैं, चारा डालते हैं, इसी टाइप का एक चारा होता है बाईबैक। बाईबैक में क्या करते हैं ना लोग, एक्चुअल में आपको ये स्कीम पकड़ा देते हैं कि आपको इतना प्रॉफिट आएगा करके, इतना प्रॉफिट आएगा करके ये बोल के आपको क्या करते हैं, मशीन बेच देते हैं। मशीन बेचने के बाद आपको वहीं पे दिक्कत आ जाता है। क्या दिक्कत आता है आपको, वो क्या करते हैं, कुछ दिन के बाद, कुछ महीने के बाद और कुछ टाइम के बाद आपसे बाईबैक वाला धंधा बंद कर देते हैं। कैसे बंद करते हैं वो भी मैं बता देता हूं। आपको बोलेंगे कि अभी हमारे पास स्टॉक नहीं है, मतलब हमारे पास अभी मटेरियल स्टॉक नहीं है। अब बोलेंगे कुछ दिन के बाद आपको बोलेंगे कि हमारे पास अभी ज्यादा स्टॉक आ गया है, कुछ दिन के बाद आप मेरे को प्रोडक्ट दो करके। और बोलेंगे कि आपको अभी हमारे साथ आपकी जो मटेरियल दे रहे हो वो मटेरियल अच्छा नहीं है, इसी खातिर हम लोग धंधा बंद कर रहे हैं। नो डाउट, वो 100 में से 100 बंदा अगर मशीन लेते हैं उसमें से 50 बंदा बाईबैक करते हैं, सॉरी 60 बंदा बाईबैक करते हैं और 40 बंदे क्या करते हैं ना, बाईबैक नहीं करते हैं। उनको उनका एक भेड़चाल में नहीं चल रहा है, उनको सेपरेट, उनको एक चाहिए सेपरेट, एकदम से अलग सा एक रूट चाहिए जिस रूट में वो जाके ये धंधा करते हैं। उनको क्या करते हैं ना, ब्रांड में जाते हैं। एक्चुअल में उनका सिक्स सेंस काम करता है वहीं पे। एक्चुअल जो इंडस्ट्री है अगरबत्ती में, जहां पे मुनाफा आता है, वो इंडस्ट्री में काम करते हैं। और बाईबैक पॉलिसी आप सभी के लिए नहीं है, बाईबैक स्पेसिफाइड लोगों के लिए है जो लोग एक्चुअल में इंडस्ट्री में प्रो है। प्रो मतलब वो इंडस्ट्री में ऑलरेडी जुड़े हुए हैं, उनका बड़े बड़े कंपनी के साथ टाई अप है, उनके साथ एग्रीमेंट वो करते हैं, बड़ा चौड़ा के एग्रीमेंट करते हैं, उसके बाद करते हैं। ओके, नो डाउट, आप भी पूछ सकते हो कि छोटे लोग भी एग्रीमेंट करते हैं, मतलब छोटे जो ट्रेडर हो गए वो भी आपसे एग्रीमेंट करते हैं, वो वैल्यूलेस एग्रीमेंट होता है। मान लो मैं इस घर को मैं भाड़े पे लिया हूं, ठीक है, अगले महीने को मैं भाड़ा नहीं दे सकूंगा, तो मैं घर के मालिक को बोलूंगा कि मैं घर छोड़ रहा हूं, ठीक है। तो क्या आप घर को, मतलब घर का मालिक बोलेगा आपने एग्रीमेंट किया है तो आपको इसमें रहना पड़ेगा, जबरदस्ती हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। एग्रीमेंट का वैल्यू जो नोटरी एग्रीमेंट होता है, नोटरी ऑफिस में लोकली जाके वो कोर्ट में नोटरी शेन से वो एग्रीमेंट करवाते हैं, वो जीरो वैल्यू होता है, ठीक है। आपको क्या करना पड़ेगा, अभी आपको इस झांसे पे आना पड़ेगा, राइट। आप लोग तो आ रहे हो, इसके मतलब ये तो आपका मतलब ट्रेंड बन गया है। अभी बाईबैक करो, जो भी फोन करता है अभी, छोटा से छोटा मशीन के लिए जो भी फोन करता है अभी, धूप अगरबत्ती का नहीं, जिस भी मशीन पे जाओ लोग फोन करते हैं कि बाईबैक है क्या। हम लोगों को बेचना नहीं है, हमको मार्केट फेस करना नहीं है, हम लोगों को दुकान में जाना नहीं है, हमको डीलर के पास जाना नहीं है, हमको घर बैठे ही हमारा सामान बिक जाए, वैसा झांसे में आ जाते हैं। ऐसा कभी भी ऐसा सिस्टम नहीं है, मार्केट में कुछ भी नहीं है। ये वीडियो मैं आपको इसीलिए एजुकेट करने के लिए बना रहा हूं, ऐसा कोई भी सिस्टम नहीं है करके। तो आप क्या करते हो, वहां पे 1.5 लाख पेमेंट करते हो, वहां से बाईबैक स्कीम में ज्यादा पैसा देना पड़ता है, राइट, मशीन पे, ठीक है। वो खराब से खराब मशीन आप खरीद के ले आते हो, बाईबैक स्कीम में आप जुड़ जाते हो। बाईबैक स्कीम में जुड़ने के बाद आप घर पे प्रोडक्शन करते हो, जो कि आपको झांसा दिया जाता है कि अगरबत्ती मशीन पर डे 100 kg
50 kg प्रोडक्शन देगा करके। तो आप कैलकुलेट लगाते हो, क्या कैलकुलेट लगाते हो, एक दिन में अगर मेरा 100 kg निकलता है तो एक दिन में मेरा 1.5 से 2 हजार का मुनाफा आता है। तो इसी महीने के हिसाब से कैलकुलेट करने जाऊं तो 15 से 20 दिन अगर काम करूंगा महीने से तो मेरा इतना मुनाफा होगा करके। बट ये सही नहीं है, ये आपको सिर्फ कैलकुलेटर पे ही शोभा देता है, बट कैलकुलेटर के बाहर जाओगे तो आपको 1 रुपया भी मुनाफा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा वो भी बताता हूं, क्योंकि वो लोग आपसे फ्रॉड करते हैं वहीं पे। वो लोग उनका मशीन का धंधा करते हैं, मशीन बेचते हैं, उसके बाद स्पेयर पार्ट्स बेचते हैं, उसके बाद उनका मेंटेनेंस का भी खर्चा लेते हैं। बट आप क्या पाते हो वहां पे, आपको कुछ नहीं मिलता है, आपको 0 मिलता है, कुछ भी नहीं मिलता है। आप जाते हो वहां पे मार्केट में सारा प्रोडक्ट खरीद के लाते हो उसके पास से आके धंधा करते हो। धंधा करने के बाद आपका जो प्रोडक्शन होता है आप उससे बायपैक करने के लिए फोर्स करते हो, भाई मेरा प्रोडक्ट रेडी हो गया। आप कॉल करते हो, मेरा प्रोडक्ट रेडी हो गया, वो आपके कॉल को उठाएगा नहीं, कॉल का जवाब नहीं देगा, कॉल को डिस्कनेक्ट कर देगा, या बोलेगा आपको जो मैंने पिछले टाइम पे बोला उसी हिसाब से बोलेगा कि आपका ये प्रॉब्लम है करके। आप अगर इस बिजनेस में प्रॉपरली आना चाहते हो इसका फिर आपको थोड़ा और एजुकेट होना पड़ेगा इस बिजनेस में, क्योंकि आपको नॉलेज 0 है। आप इस एडवर्टाइज में मत आओ कि आपको बायबैक मिल जाएगा करके, बायबैक में कुछ नहीं मिलता है, बायबैक में 0 मिलता है। आपको जो मिलता है प्रॉफिट, आप सोच रहे हो कि मेरे को इसमें 50 रुपया मुनाफा हो जाएगा, 1 किलो में 20 रुपया 30 रुपया मुनाफा होगा, वो आखिर में 8 से 9 रुपए का मुनाफा होता है, वो ज्यादा नहीं होता है। एक्चुअल में रियल में जो बायपैक करते हैं, जो रियल इंडस्ट्री होता है बायपैक करने के लिए, हमारा इंडस्ट्री हो गया, किसी और का इंडस्ट्री हो गया, हम लोग रेगुलरली बायपैक को प्रायोरिटी बेसिस पे लेते हैं, क्योंकि हमारा सेल ज्यादा है। किसके पास सेल नहीं होता है ना उनका प्रॉब्लम होता है, हमारे पास सेल ज्यादा होता है, हम लोग बायपैक करते हैं, क्योंकि हमारा एक और ऑर्गेनाइजेशन है जो कि बायपैक के लिए स्पेशली फेमस है, वो हमारा स्टेट में वो बेसिकली बायपैक करता है। ठीक है, वो बायबैक स्कीम में आने के बाद वो बायबैक में हम लोग उसको प्रॉफिट देते हैं, बट एक लिमिटेड प्रॉफिट होता है। एक अगरबत्ती मशीन में कितना कमाओगे आप, एक अगरबत्ती मशीन में अगर बायबैक के सेगमेंट में जाओगे आपको 8 से 9 हजार का पर मंथ मुनाफा होगा, उससे ज्यादा नहीं होगा। अगर उसी के हिसाब से आप अगरबत्ती के ब्रांड में जाओगे उसका 4 गुना हो जाएगा। बट वहां पे क्या होता है, आपका इन्वेस्टमेंट ज्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, आपको इन्वेस्टमेंट ज्यादा बढ़ जाएगा वहां पे। ब्रांड में जाओ, परफ्यूमरी प्रोडक्ट जैसे आप लोग ये परफ्यूम देख रहे हो उसी टाइप का परफ्यूम खरीदना पड़ेगा, उसके बाद आपको स्टिक खरीदना पड़ेगा, मतलब आपका जो बैम्बू स्टिक हो गया वो उसका इन्वेस्टमेंट रहेगा, जो जो कि आपका ऑलरेडी रह रहा है मशीन। उसके बाद ये, उसके बाद पीपी जो कि अपना पॉली बैग होता है उसको खरीदना पड़ेगा, उसके बाद कवर प्रिंटिंग करना पड़ेगा, अदरवाइज रेडीमेड कवर खरीदना पड़ेगा, उसके बाद आपको ब्रांडिंग करके मार्केट में सप्लाई भी करना पड़ेगा, उसके बाद कलेक्शन भी देखना पड़ेगा, क्रेडिट सेक्शन देखना पड़ेगा, ये सब देखना पड़ेगा। बट जहां पे ज्यादा प्रॉब्लम होता है जहां उसी में ही ज्यादा मुनाफा रहता है और ज्यादा आपका स्ट्रेंथ रहता है, क्योंकि आप जानते हो आप कर रहे हो। ठीक है, आपका कोई करवा नहीं रहा है, आप कर रहे हो, इन द सेंस आपको मुनाफा आएगा, आप उसमें धंधे में सस्टेन कर पाओगे। बट आप अगर सोचोगे कि मेरा धंधा मैं सब करूंगा, कोई मेरा लेके बेच देगा, मेरा काम कर देगा, वैसा नहीं हो सकता है। ये आपको सिर्फ झांसा है, झांसे में मत आओ। जो बायबैक करते हो, जो भाई लोग बायबैक करते हो, वो चूज करो अच्छा ट्रेडर, अच्छा डीलर, जो कि आपका उसका मतलब पास्ट अच्छा हो करके, उसको चूज करके उसके साथ बायबैक में आओ। ऐसे नहीं कि जिस मर्जी जहां पे आया उसमें बायबैक आ जाओ करके, जिसके साथ बायबैक का एग्रीमेंट कर दो करके, वो एग्रीमेंट का वैल्यू कुछ नहीं रहता है, आप केस भी नहीं कर सकते। जितना भी केस चलता है इंडिया में आप जानते हो कितना केस अभी पेंडिंग है, आपका केस भी उसी तरह से पेंडिंग में चलेगा, कुछ भी फायदा नहीं होगा, वो एग्रीमेंट का भी वैल्यू 0 है, पुलिस भी कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि आप उसमें से वो क्राइटेरिया लिखते हैं ना, जो टर्म एंड कंडीशन वहां पे लिखा हुआ होता है, आपका मटेरियल अगर खराब होगा वो रिजेक्ट कर देंगे, आपको वही नोटिस देके वो रिजेक्ट करेंगे, वो लीगली जाएंगे आपके पास, वो इलीगली काम नहीं करेंगे, वो लीगली काम करके आपको रिजेक्ट कर देंगे। तो आप ये सोच लो कि आपको क्या करना है, बायबैक में जाना है या ब्रांड में आना है। ब्रांड में आना है तो आपको इंडस्ट्री में बहुत सारा स्कोप है, आप आगे आ सकते हो, बैंक से लेके सभी इंडस्ट्री में, लाइक आप एमएसएमई से लेके सभी में आप मतलब ये इंडस्ट्री को बड़ा छोड़ा के कर सकते हो। बट आपको इसका थोड़ा नॉलेज चाहिए, जो कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आपको बता देंगे कि कैसे करना है, क्या करना है करके, इंडस्ट्री में आने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन चाहिए और क्या क्या प्रोसीजर चाहिए, प्रॉपरली गाइडेंस देंगे। ऐसे नहीं कि 5 किलो में 1 किलो ये डाल दो, क्या जिगेट डाल दो, आपका अगरबत्ती रेडी हो जाएगा, आप ब्रांड बना लो ऐसे रेडी हो जाएगा। नहीं, प्रॉपरली गाइडेंस देंगे कि आपको कैसे बनाना है, क्या करना है, कि अगरबत्ती इंडस्ट्री में कैसे आना है। तो आप बस रेडी रहो नेक्स्ट वीडियो के लिए, आप नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्रॉपरली गाइड कर देंगे आपको कैसे करना है, क्या करना है और कैसे आप इंडस्ट्री में आ सकते हो करके। सो जस्ट वेट फॉर नेक्स्ट वीडियो, और
ये झांसे में मत आओ, ये मेरा रिक्वेस्ट रहेगा। अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हो सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू, नमस्ते।